मैं इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन का स्पोक पर्सन हूँ, हेडेड बाई मुश्ताक अहमद नजार। आज का जो हमारा जो प्रोटेस्ट यहाँ पे है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज है, यहाँ पे जो ग्रिडर्स है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त करने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी रिसोर्सेज है, ये हमारा डिपार्टमेंट है, इसको हम किसी भी सूरत में प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चाहे। हम इसके लिए कतई तैयार नहीं है कि इसको डिपार्टमेंट को प्राइवेट हाथ भेज जाए, क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बाज़ाबता गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि जो यहाँ पे ग्रिड है वो इकट्ठे करें, जॉइंट वेंचर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो पहले भी जॉइंट वेंचर हुआ है वो फेल है, उसमें स्टेट का कोई मुदाखलत नहीं होता। इसीलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करने चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो सबसे बढ़िया मसला है डेलीवेजरों के साथ, 2019 में डेलीवेजरों की डीपीसी हुई है, तब से आज तक वो मर रहे हैं, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। हम परमिट एम्प्लॉयज़ हो के हमारी सैलरी ग्रांटेड एड पे चल रही है, हमारी सैलरी को बाज़ाब्ता बजटरी सपोर्ट दिया जाएगा। और जो हमारी पीडीसी कॉरपोरेशन है उसमें वहाँ भी सालों साल से पेंडिंग है, उनके साथ भी इंसाफ किया जाएगा। बस बाकी हमारा ये जॉइंट चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो प्रोग्राम चल रहा है, जम्मू में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, लेकिन तीन राउंड्स फेल हुए। अब कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह रहमान, अगर शाम तक हमारा मसला हल नहीं हुआ, कोई ठोस फॉर्म हमारे पास डॉक्यूमेंट्स सामने नहीं आए, तो मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू बढ़ जाएगी स्ट्राइक।